वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है एक रिएक्शन वीडियो है और रिएक्शन वीडियो किस पे है यानी कि ये वीडियो है सपोर्टर्स वर्सेस रिएक्टर्स जो खुद को सपोर्टर्स बोलते हैं जो ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो खुद को सपोर्टर्स बोलते हैं कि एक एक आध पर्टिकुलर यूट्यूबर को वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं और उनका और रिएक्टर वर्सेस रिएक्टर्स पे यानी कि जो हम लोग रिएक्शन देते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना लाग लपेट के और ऑनेस्टली uh, जो मेरे दिल में है वो बात मैं आपके सामने रखूँगी तो सपोर्टर्स जो होते हैं वो आप देखते होंगे किस समय उनका निशाना रिएक्शन वाले ही हैं सारे रिएक्शन वालों को वो लोग निशाना कर रहे हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं जो हम लोग के हेटर्स कहे जाते हैं और आ, किसी पर्टिकुलर जिन पे हम रिएक्शन देते हैं उनके वो सपोर्टर्स बन जाते हैं अचानक से किसी के सपोर्टर्स बन जाते हैं उसके बाद उनके कमेंट सेक्शन पे सपोर्ट करने के नाम पे बिचिंग की जाती है और उल्टी सीधे कमेंट्स किए जाते हैं गंदे कमेंट्स किए जाते हैं किसी की फैमिली को लाया जाता है किसी के बच्चों को लाया जाता है फेक फिक आइडियाज़ बना के आ, उन उस पर कमेंट्स करके उनमें कमेंट्स करके उस उन चैनलों को भी बर्बादी की कगार पर ला के खड़ा कर दिया जाता है और नाम क्या होता है कि रिएक्शन वालों की आ, हम आ, हेटर नहीं हैं रिएक्शन वालों की बजाय हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर देखा जाए सोच की बात है कि क्या यूट्यूबर्स को ऐसे सपोर्टर्स की ज़रूरत है सपोर्ट क्या होता है सपोर्ट सिस्टम क्या होता है सपोर्ट करना क्या होता है हम रिएक्शन वाले जो हैं वो हम ब्लॉगर्स को देखते हैं उनके अपलोडेड वीडियो जो होते हैं अपलोडेड अपलोड के पीछे की जो स्टोरी होती है उससे हमसे कोई लेना देना नहीं होता है पर्टिकुलर हमसे भी कोई लेना देना नहीं होता है हम उन अपलोडेड वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं उनकी अच्छाइयाँ बताते हैं उनकी बुराइयाँ बताते हैं उनके बच्चे के एक पीछे कभी नहीं पढ़ते हैं किसी भी ब्लॉगर के जिन पे हमने रिएक्शन देना दिया है हमने उनकी कमियाँ बताई हैं लेकिन उनके बच्चों के पीछे हम लोगों ने कभी भीकबिचिंग नहीं की है या बच्चों को अब नहीं किया है या बच्चों को बुरा भला कभी भी कुछ भी नहीं कहा है बल्कि हम लोग को उनके बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है क्योंकि वीडियो पे झोल झाल उन व्लॉगर्स करते हैं ना कि उनके हस्बैंड उनके बच्चे करते हैं तो रिएक्शन हम लोग किस पे देते हैं हम लोग ब्लॉगर्स पे रिएक्शन देते हैं यूट्यूबर्स पे रिएक्शन देते हैं और जनरल uh, यूट्यूबर्स पे, पे ही हम लोग रिएक्शन देते हैं तो अब ये तो हो गया रिएक्शन वालों का काम हमारा काम सिर्फ इतना ही है सिर्फ इतना है ठीक लेकिन अब बात करते हैं सपोर्टर्स की सो जो भी सपोर्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि हम किसी ब्लॉगर को या यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है सपोर्ट करने का मतलब होता है आपने जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मान लीजिए मैं एक क्रिएटर हूं मैं एक ब्लॉगर हूं या मैं कुछ यूट्यूबर हूं आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैंने कोई विडियोज डाली मान लीजिए मैंने कोई भी वीडियोज डाली ब्लॉग आज का ब्लॉग डाला चाहे मैंने कोई लिपस्टिक या किसी चीज़ का रिव्यू डाला मैंने डाला तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आप मुझे क्या करेंगे आप मेरे में कमेंट्स करेंगे मुझे लाइक like करेंगे मेरे में कमेंट्स करेंगे नाइस nice वीडियो लिखेंगे हेल्पफुल वीडियो लिखेंगे आप अच्छा सा कमेंट करेंगे कि मेरा दिल खुश हो जाएगा और अगर उसमें मैंने कुछ कमियाँ की हैं मैंने क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैंने अगर उसमें कुछ कमियाँ की है जैसे मैंने लिपस्टिक को सही तरीके से नहीं लगाया है या मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स को प्रेप नहीं किया है या मॉइस्चराइज नहीं किया है तो आप उस कमी को मेरे वीडियो की कमी को निकाल के मेरे बीच रखेंगे कि ये तो सही था दीदी लेकिन ये चीज़ आपको करनी चाहिए थी इसका मतलब होता है सपोर्ट करना आपने सपोर्ट किया आपने कमेंट किया आपने लाइक like किया आपने मेरी हर वीडियोस देखी आपने मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया कि इससे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे इससे मेरी रीच बढ़ेगी इससे मेरे व्यूज बढ़ेंगे और मुझे मदद मिलेगी अगर चैनल मोनो नहीं है तो मोनिटाइजेशन में वो दिला जाएगा और सारी चीजें होंगी इसको कहते हैं सपोर्ट करना अब आपने सपोर्ट के नाम पे अगर आप ये करते हैं आपने उस क्रिएटर के कमेंट uh, सेक्शन पे उनके वीडियो से रिलेटेड कमेंट uh, करने की बजाय दूसरे रिएक्शन वालों के uh, लिए बात करना चालू किया फेक आईडीज बना के हो सकता है बाहर से बहुत लोग फेक आईडीज बना के जाते हो हम लोग के पास इसलिए फेक आईडीज बनाने का वो नहीं है क्योंकि हम लोग के पास चैनल है अगर हमको किसी को धोना होगा हमको किसी को गलियाना भी इवन गलिया भी होगा तो हम अपना चैनल है हम जानते हैं हम गलिया देंगे हम ऊपर हम बैठेंगे यहाँ पे तेरी माँ कहती बहन जो भी है गलिया देंगे हमको फेक आई बनाने की इस चीज़ की हमको कोई रिक्वायरमेंट हम लोग को नहीं होती है तो सपोर्ट के नाम पर आपने क्या किया आपने जिसकी वीडियो देखी उसके लिए कोई सपोर्ट कोई कमेंट नहीं किया आपने जिस टॉपिक में वीडियो देखी उस टॉपिक पे आपका कोई कमेंट नहीं रहा आपने उस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अपने परिवार में शेयर नहीं की आपने अपने सब घर के मोबाइलों से उसको subscribe, उनको सब्सक्राइब नहीं किया कि उनको हिम्मत मिले मदद मिले उनके सब्सक्राइबर काउंट बढ़े लेकिन आपने क्या किया कि मैं तो सपोर्ट करती हूँ इसलिए मैंने दूसरे चैनल्स वालों की बुराई उनके कमेंट सेक्शन में करनी चालू की अब हुआ क्या ये आग लगी आपके साथ दो और दो चार रहे हैं, पांच छह आए फिर अलग अलग आईडी बना के वही दो चार कमेंट इस, इसके रिप्लाई ये इसका रिप्लाई ये इसका रिप्लाई ये इसका, इसका ये रिप्लाई अब हुआ क्या किया आपने जिनके लिए किया उनसे दुश्मनी हुई दूसरे क्रिएटर के साथ दूसरे यूट्यूबर के साथ जबकि उनकी फिफ्टी पसंद है कि उन्होंने आपको बर्दाश्त किया ये उनकी फिफ्टी परसेंट गलती है उन यूट्यूबर्स की फिफ्टी परसेंट गलती ये है कि उन्होंने आपको तत्काल ब्लॉक नहीं किया और बाहर नहीं निकाला उन्होंने आपको बर्दाश्त किया लेकिन इस बर्दाश्त करने की जो उन्होंने वो किया इसका उनको खामियाजा कितना भुगतना पड़ा सब्सक्राइबर्स को और हेटर्स को और सो कॉल सपोर्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा छीछा लेदर किन की हुई यूट्यूबर्स की हुई आपसी लड़ाई झगड़ा किन में हुआ बैग बिचिंग आप लोगों ने की आग आप लोगों ने लगाई सपोर्ट के नाम पे हम सपोर्ट करते हैं हम तो कह रहे हैं आप, लो हैं। आप लोग सपोर्टर्स हैं लेकिन आपने सपोर्ट के नाम पे क्या किया दुश्मन बढ़वाए आपने उस उस तो दुश्मनी दुश्मनों की लिस्ट को बढ़ाया यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स आपस में लड़े <laughs> क्योंकि आप लोगों ने उल्टे सीधे आईडीज बना के उसमें कमेंट किए किसी और थर्ड पर्सन थर्ड यूट्यूबर के नाम से लड़ाई की तो उनके सपोर्टर जो रिएक्शन वाले हैं वो आप सामने खड़े हो गए वर्ष जिन्होंने जिनके कमेंट्स में किया उन्होंने उनके वो भी खड़े हो गई तो इस तरह से आपने यूट्यूबर्स के बीच में महाभारत यानी कि महायुद्ध की, महा की आ, को छेड़ दिया आप लोग का क्या गया कुछ नहीं गया क्योंकि आप तो सपोर्टर्स हैं आप लोग तो लास्ट में यही कह देते हैं कि हम तो सपोर्टर्स हैं हम किसी को सपोर्ट भी ना करें तो भाई कहते हैं ना भगवान कहते हैं ना कि ऐसे सपोर्टर्स भगवान ने भी कहा है कि ऐसे मूर्ख सपोर्टर्स नहीं चाहिए मूर्ख हम नहीं चाहिए एक बुद्धिमान लेके हम स्वर्ग जाएंगे युधिष्ठिर जी ने कहा था किसी उसमें जाने से पहले हमने कहीं पढ़ा था कि उनसे पूछा था कि आप एक बुद्धिमान लेके अपने साथ जाएंगे स्वर्ग कि सौ बेवकूफ़ लेके जाएंगे तो उन्होंने कहा था हमें सौ लोग अपने साथ संगी साथ ही नहीं चाहिए हमें एक बुद्धिमान ही काफ़ी है तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि भैया हमें ऐसे सपोर्टर्स नहीं चाहिए हमारे कमेंट सेक्शन में पाँच कमेंट हैं होते हैं वो ज्यादा प्रिय है दूसरे की बुराई और धरुधर की बातें और इस तरह के लगाओ बुझाओ माचिस वाला काम करने के नाम के सब्सक्राइबर्स हों तो ऐसे नहीं चाहिए तो इस तरह से सपोर्ट के नाम पे गंदा खेल जो खेला जाता है वो किसी यूट्यूबर्स को समझ में नहीं आता यूट्यूबर को यह लगता है कि क्रिएटर है उनका चैनल मोनो नहीं है उनको अभी सैलरी यूट्यूब से नहीं मिल रही है उनको ये लगता है कि कुछ भी ये कर रहे हैं हमारा क्या जाता है ये लोग अपने आपस में बकवास लगा रहे हैं लेकिन मेरे चैनल पे कमेंट्स दिख रहे हैं ये बार बार आके कमेंट्स कर रहे हैं तो इससे मेरे चैनल की रीच बढ़ रही है या ये कह सकते हैं कि मुझे अभी पचास या साठ व्यूज़ आ रहे थे भाई डेली ब्लॉगिंग में शुरुआत में सबको व्यूज़ नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करिए तो भी बहुत लोगों को व्यूज नहीं आते हैं सब लोगों को व्यूज नहीं आते हैं कुछ की किस्मत होती है जिनके वायरल हो जाते हैं तो आते हैं तो ये होता है कि अभी पचास साठ सौ व्यूज आ रहे थे इन लोगों के बार बार घुसने के कारण इनके बार बार बैग बिचिंग के कारण और आग लगाना या लड़ाई लगवाने के कारण जो दूसरे क्रिएटर्स हैं या दूसरे रिएक्शन वाले हैं वो आके देखेंगे उनके सब्सक्राइबर देखेंगे भले ही जाके हम लोग के पास आके उनको चुगली करनी हो कि भाई आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है या शिकायतें करनी हो लेकिन वो देख के आएंगे और उससे उनकी व्यूज़ बढ़ रहे हैं उनको व्यूज़ का ये लालच होता है उन क्रिएटर्स को उन यूट्यूबर्स को ये लालच होता है लेकिन इस लालच का खामियाजा उनको बहुत बुरा भगतना पड़ता है उनके चैनल पर बात आ जाती है उनके परिवार तक लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ों को कोई भी बढ़ावा देता है तो लोग उनके कमज़ोरी ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि रिएक्शन जो देते हैं वो न वो कम बुद्धि वाले नहीं होते हैं क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं या जो बैल बुद्धि के हैं वो रिएक्शन नहीं दे पाएंगे नहीं दे पाते हैं रिएक्शन के लिए दिल के साथ साथ दिमाग का भी खुला होना ज़रूरी होता है और तार्किक शक्ति भी तेज़ होती है क्या आपके हर चीज़ का प्रूफ हो आपकी हर बात का जवाब हो आपकी हर चीज को लेने की और अपनी चीजें आपको देने की क्षमता हो तभी हम लोग रिएक्शन दे सकते हैं ऐसे उलझुल के आके किया और चल रही ये नहीं होता है रिएक्शन व्लॉगर्स कुछ भी आके सिर्फ कैमरे के सामने आके बकवास लगा ली चले गए आप तो देख ही रहे हैं जैसे धनिया वाली है कुछ भी हैं वो उठाए और बकवास की चली गई कुछ नहीं मिला तो कैमरे के आगे दस मिनट रोई चली गई आ हैं तो उनकी बात छोड़िए रिएक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं और रिएक्शन ऐसे चलता भी नहीं है तो इस तरह से सपोर्टर्स वर्सेस जो क्रिएटर हैं वो इस तरह से जंग होती है और ये जंग जो है चलती रहती है जब तक कि और यूट्यूबर्स आंखें नहीं खोल लेते हैं और इस तरह के नाम किस्सों कॉल सपोर्टर्स को अपने यहाँ से ब्लॉक नहीं करते हैं और इस चीज़ को मना नहीं करते हैं अब बात आती है कि औरतों का स्वभाव ही चुगली वाला होता है

एनर्जी को खर्च करने के लिए आप इस कमेंट सेक्शन के बाहर की दुनिया भी अपना सकते हैं आप लोग इंस्टा पे अपना ग्रुप बना के चाहे जितनी करिए कमेंट सेक्शन पे नहीं दिखता है तो आदमी पाक साफ समझा जाता है सामने नहीं सुनते हैं नहीं सुना जाता है नहीं देखा जाता है तो ये जो शीत युद्ध या महायुद्ध की नौबत आती है ये नहीं आती है जिसको चुगली करनी है वो करेगा ही करेगा जिनकी आदतें हैं इन सब में बुराई करने में और दूसरों में आग लगाने में लड़ाई लगाने में तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उनके लिए यही सलाह होती है कि वो पर्सनल नंबर ले व्हाट्सएप नंबर ले और उन यूट्यूबर से आपसे सब्सक्राइबर एक दूसरे में वो अपना व्हाट्सएप नंबर लेके वो कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या पर्सनल नंबर पे चैट करके तेरी ये इसकी है, उसकी वो उसकी अम्मा, उसकी अम्मा उसके बहन उसकी बेटी कर सकते हैं यूट्यूब को एक एंजॉयमेंट का एक हेल्दी प्लेटफॉर्म का वो रहने दीजिए प्लेटफॉर्म रहने दीजिए इसको अपने सपोर्ट के नाम पे गंदगी फैलाने का प्लेटफॉर्म ना बनाएं तो चलते हैं आज वीडियो यहीं खत्म करते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे तब तक के लिए हर रिएक्शन वालों की तरफ से मैं बेनर्जी मंत्रा आप सबको आगे अच्छा होने की या आगे अपने में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ